जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आज 24 जुलाई 2020, हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को गए 1 महीने 10 दिन हो गए। बहुतों को तो डेट भी याद नहीं होगा कि 14 जून 2020 को हमारा जो यूथ आइकन था हमें छोड़ के चला गया। आज एक मैसेज देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कि आज 24 जुलाई 2020 शाम 7:30 बजे हॉटस्टार पर हमारे भाई के मूवी की रिलीज है। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा तहे दिल से कि आप लोग इस मूवी को इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो और इतना फैलाओ कि जितने भी बॉलीवुड के माफिया है ना, उन्हें मालूम चल जाए कि तुम्हारे बस की ये बात नहीं जो सुशांत सिंह राजपूत करके गया है। और हाँ, इतना ही नहीं, उन्हें इतना फील करवा दो, इतना फील करवा दो कि उनकी फट के ना हाथ में आ जाए। और सुन बे, जितने बॉलीवुड के माफिया हो, ठीक है ना, तुम लोगों से तो मेरा एक स्पेशल ये मैसेज है कि तुम लोग तो जरूर देखना इस मूवी को, जरूर देखना। और हाँ, देखने के बाद ना जश्न भी मनाना। जश्न इसलिए मनाना कि तुमने रास्ते के पत्थर को खत्म कर दिया अपने लिए। लेकिन हाँ, एक बात ये भी सोच लेना कि तुमने पत्थर को तो हटा लिया, लेकिन हम जनता जो पहाड़ बन के तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या तुम उनको गिरा पाओगे? गिरा पाओगे हम जैसे पहाड़ को? हम है जनता, हम है पहाड़ तुम्हारे सामने खड़े। गिरा के दिखा देना तुमने एक पत्थर गिराया है और हम तुम्हारे सामने एक पहाड़ बनकर खड़े हैं। जहां तक मुझे लगता है और जहां तक पूरी जनता को लगता है कि तुमसे ना हो पाए बेटा। तुम सारे गिरे हुए सोच के बॉलीवुड स्टार से, सारे तुम सारे गिरे हुए सोच के बॉलीवुड माफियाओं से मेरा ये मैसेज है, स्पेशल मैसेज है, याद रखना। और हम जनता को जो तुमने सोचा ना कि कैंडल जला रहा है, ये जला रहा है, तुम लोग की टेस्टिंग करी हमने कि तुम लोग कितने पानी में हो, तुम लोग कितना हमारे साथ हो, वो चीज हमने कैंडल के जरिए मालूम कर लिया। हम जनता को यूं ना समझना, हम जनता तुम्हारी चलाते हैं, तुम्हारी, तुमसे हमारी नहीं चलती है। तो कैंडल जलवा करके ना हमने मालूम कर लिया कि तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारी कितनी गिरी सोच है और तुम कहां स्टैंड करते हो। और हां प्रणाम, हम नाम लेते हैं उनकी जिस राजा के हम अंधे प्रजा हैं। हां हां, हम अंधे प्रजा हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम तो अंधे हैं, हम तो बेवकूफ हैं, हम तो बस आपके सामने आकर के ये बोलेंगे कि प्लीज डू समथिंग फॉर अस, वी वांट जस्टिस फॉर आवर ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन आपके कानों तक ये बातें तो समझ में आएगी नहीं, जाएगी नहीं, है ना। पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं आपके बारे में ही बोल रहा हूं। पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं आपसे ही बोल रहा हूं। और सुनो, आपसे भी मैसेज है मेरा, अगर हो सके ना तो आप भी इस मूवी को एक बार देखना और फिर सोचना कि आपने क्या खोया है, इस देश ने क्या खोया है और क्यों जनता इतना पागल है उसके जस्टिस के लिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस मूवी को भी देखने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, जो करप्टेड प्रोटोकॉल्स हैं, जो करप्टेड पीपल द्वारा बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, उन चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको बिना फॉलो किए हुए इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो आप जरूर देखना इस मूवी को और उसके बाद फिर ना आप बताना कि आपने क्या खोया है। और अगर ये मूवी देखने के बाद आपके दिल में जरा सा भी ये दिल बेचारा जगह बना पाए ना, तो प्लीज एक बार स्टैंड लेकर के हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप देख लेना। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट सीबीआई इंक्वायरी। अब सीबीआई इंक्वायरी की बात हटा दो, अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि वी वॉन्ट जस्टिस। बींग यूथ ऑफ दिस कंट्री, वी वॉन्ट जस्टिस। इफ यू कैन डू सो फॉर अस देन इट्स ओके, इफ नॉट देन बहुत अच्छी बात है। भाइयों और बहनों, मत बोलना दोबारा किसी भाषण में और मत आके सामने ये बोलना कि भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, हम जनता पागल नहीं है। आप सारे व्यूअर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा एक बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज मूवी देखने के बाद एक सच्ची रिव्यू देना, एक सच्ची रिव्यू देना दिल बेचारा को। और हाँ, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे भाई को। तो आप लोग जरूर इस मूवी को देखना, रिव्यू देना। और हाँ, मिलते हैं मूवी देखने के बाद। इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि जहां तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ मोदी जी, मूवी देखने के बाद ना हम आपसे मुलाकात फिर करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय बिहार।